बट फिर भी आपको ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर से कंसीडर करना चाहिए। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिकल रीजन ये है, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा एग्जिस्टिंग मेडिकल इंश्योरेंस है वो बाहर भी काम करेगा, बट वो बाहर नहीं काम करेगा, इंडिया के बाहर निकलते ही वो इनवैलिड हो जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। दूसरा रीजन है, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, आपकी फ्लाइट बहुत ज्यादा लेट हो जाती है या आपका लगेज मिस हो जाता है, तो उस केस में एटलीस्ट आप 700-800 रुपए का एक ट्रेवल इंश्योरेंस लेके रखोगे तो वो आपकी काफी हद तक भरपाई कर देता है। अदरवाइज आपका पासपोर्ट अगर किसी और कंट्री में हो जाता है तो काफी ज्यादा पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बाई चांस किसी कंट्री में गए, लेट्स एग्जांपल मैं मलेशिया जाता हूँ, मलेशिया का हेल्थ इंफ्रा जो नॉन रेजिडेंट्स है उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो बाई डिफॉल्ट गलती से भी अगर मैं बीमार हो गया ना तो मेरे बहुत ज्यादा पैसे लग जाने हैं। तो आपको अच्छी कंपनी का ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर से कंसिडर करना चाहिए। मैं मैंडेटरी हो ना हो मैं जरूर से परचेज करता हूँ। अब कहाँ से खरीदना है कहाँ से नहीं खरीदना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं 3-4 जगह आपको बताता हूँ, उसमें से जहाँ आपको बेस्ट सूट करे वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो गूगल पे आप सर्च करो सिंपल ट्रेवल इंश्योरेंस, तो बहुत सारे आपको कोटेशन मिल जाएंगे। आप किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हो जिसका भी है, सारी कंपनी का अच्छा है। AIG का भी मैंने ले रखा है, गो डिजिट का भी ले रखा है, बाकी लैम्बॉर्ड का भी मैंने ले रखा है और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का भी ले रखा है। ठीक है, अभी ये सारे आपको कंपेयर करने हैं तो आप पॉलिसी बाजार पे चले जाओ। ठीक है, पॉलिसी बाजार में आप किस कंट्री ट्रेवल कर रहे हो, लेट्स से मैं मलेशिया ट्रेवल करने जा रहा हूँ, दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी डेट आप डिसाइड कर लो 17 से डिसाइड कर लेते हैं कोई भी, जितने भी आपकी डेट है ये भी 14 तक। ठीक है, 29 डेज की ट्रिप है। अगर आप फैमिली पूरी फैमिली का लेना चाहते हो तो वो भी आप इकट्ठा ले सकते हो, ताकि जिस जो बीमार होता है या जिसके साथ वो अर्जेंसी क्रिएट होती है वो उसको रिडीम करा ले। अभी मेरी एज 27 है, सिंगल ट्रेवल कर रहा हूँ कंटिन्यू। आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले से आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है नहीं है, मेरे केस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नंबर मांग रहा है। अभी ये सारे यहाँ से दिख गए, अब बेस्ड ऑन आपकी नीड के हिसाब से कि आपको कितने का कवर चाहिए या कवर के अंदर क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर आपको कवरेज बढ़ाना है वगैरह, किसी टाइप का कोई कवरेज ऐड करना है तो यहाँ से आप सिंपली ऐड कर सकते हो। यहाँ से पर्पस अगर आपने डिफाइन करना है तो वो, अब लेट्स से मुझे, मैं ये लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे OTP आएगा मेरे नंबर पे, मैंने कंफर्म किया, उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह वेरीफाई कराया, मेरा पासपोर्ट, चूंकि मेरी पहले से ही डिटेल थी तो पासपोर्ट भी आ गया, और कंफर्म करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा और ये कंफर्म हो जाएगा।